जय श्री राम। आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह के बारे में कि कुंडली के अंदर कैसे देखा जाए प्रेम संबंधों को, वो प्रेम संबंध प्रेम विवाह तक पहुंचेंगे या नहीं, प्रेम विवाह सहमति से होगा या असहमति से या विरोध से होगा, शादी के बाद आप विदेश चले जाएंगे या विदेश की महिला से शादी होगी या विदेश में रहकर शादी होगी कि पहले विदेश जाएंगे फिर वहाँ पर शादी होगी, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। क्योंकि आज के समय में हर लड़का लड़की, पहले क्या होता था, सिर्फ जो घर के पुरुष होते थे वो कमाने जाते थे, महिला घर घर का काम करती थी। अब महिलाएं भी क्षेत्र में आ गई हैं और जब वो उन क्षेत्रों के अंदर आ चुकी हैं तो उनके अंदर एक स्थिति पैदा हुई है जिसे कहते हैं समानता का अधिकार, कि भाई अगर आपको वर या वधु चुनने का अधिकार है तो हमें क्यों नहीं है। लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है, वो अपने स्टेटस के हिसाब से अपने आप लड़का या लड़की को पसंद कर लेते हैं। अगर वो लड़का लड़की को पसंद करके परिवार को बताते हैं और वो परिवार उनकी शादी कर देता है तो इसे हम सहमति का विवाह कहते हैं, और अगर वो परिवार शादी के लिए मना कर देता है फिर भी वो शादी कर लेते हैं तो कहते हैं भी विरोध हुआ, असहमति हुई, लेकिन हमने शादी करी। अब वो शादी हम अपने उम्र के बहुत बड़े व्यक्ति विशेष या स्त्री से कर रहे हैं, हम इंटर कास्ट कर रहे हैं, इंटर रिलीजन कर रहे हैं, ये सब कुछ भी हम कुंडली से देख सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमारी कुंडली का जो फिफ्थ हाउस होता है ये हमारे इमोशंस को दर्शाता है, जिसको हम पंचम भाव कम प्रेम प्यार इमोशंस फीलिंग्स या फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये रोमांस का भाव है। इसलिए बहुत बार जो लव मैरिज के केसेस होते हैं उनकी शुरुआत दो जगह से होती है। पहला, या तो आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ने गए हुए हैं या एजुकेशन कर रहे हैं या कोचिंग करने गए हुए हैं तो आपको कोई लड़का या लड़की वहां मिल गया। 80% केसों में यही देखा जाता है जो लोग लव मैरिज करते हैं। सेकंड होता है कि आप कहीं काम करने गए, जॉब करने गए, वहां आपको कोई पसंद आ गया। इसलिए 80% चांसेस फिफ्थ हाउस में आते हैं क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है। कुछ लोग 12th में मिलते हैं, कोई ग्रेजुएशन में मिलता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलता है, कुछ कोचिंग सेंटर्स में मिलते हैं, वहाँ से उनकी जो लव रिलेशनशिप से स्टार्ट हो जाती है। कि जब जब आपके पांचवें घर का संबंध सातवें घर से बनता है तो पढ़ाई के दौरान आपका ये काम भी शुरू हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, कोचिंग करने चले गए, वहाँ कोचिंग भी हो रही है तो कोई लड़का या लड़की मिल गया, उसके साथ प्रेम संबंध भी हो गए, पहले फ्रेंडशिप हो गई फिर बाद में वो प्रेम संबंध में तब्दील हो गए। इसलिए पंचम भाव अगर इमोशंस है तो 7th हाउस से अगर उसका कनेक्शन है, ये बड़ी समझने की बात है कि अगर आपको पंचम भाव की दशा चल रही है और आपका उसका सप्तम से संबंध नहीं है तो सिर्फ आपका प्यार होगा, फिर आप उससे शादी के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर आपका जो होगा सिर्फ उसके प्रति अट्रैक्शन होगा, जिसको हम आज के समय में लस्ट भी कहते हैं। कि भी आपका उसके प्रति जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ इतना तक है कि आप उससे शादी नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ फिफ्थ हाउस से पता लगता है। अब उस पंचम के स्वामी का सप्तम से संबंध है, फॉर एग्जाम्पल पंचम का स्वामी सप्तम में है, सप्तम का पंचम में है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंडली में एक साथ कहीं बैठ गए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, या पंचमेश पंचम को देख रहा है, सप्तमेश सप्तम को देख रहा है, तो क्या कहेंगे, ये एक लव रिलेशनशिप्स का कॉम्बिनेशन है। खास तौर पर जब पंचम या सप्तम भाव से संबंधित दशा अंतर दशा आती है तब ये शुरुआत होती है उस दौरान से, आप इसको ऐसे समझें। अब नियम नंबर दो, लग्न कुंडली में तो हमने पंचम सप्तम को देख लिया, अब नियम नंबर दो है कि भैया पांचवें घर के स्वामी को नवांश कुंडली में ले जाओ, वहां देखो कि क्या वो वहां नवांश कुंडली के पंचम सप्तम से कनेक्शन बनाता है या नहीं, और वहीं लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी को उठाकर ले जाओ नवांश कुंडली में और वहां देखो वो पंचम सप्तम से संबंध बनाता है या नहीं। अगर ये दोनों प्लेनेट वहां जाकर संबंध बनाते हैं तो इसका मतलब है कि भी आपको लव भी होगा, आप इच्छा भी रखते हैं शादी करने की, और वो चीज़ आप अपने परिवार में बताएंगे भी कि भी हमारी इच्छा है कि हम जिसके साथ प्यार करते हैं हम उससे शादी करें। अब शादी होगी या नहीं होगी, बहुत बार क्या करते हैं लोग, बाग प्रेम संबंध तो रखते हैं, शादी की इच्छा रखते हैं, लेकिन परिवार को नहीं बताते, उनके मन में डर रहता है, चिंता रहती है, वो कहते हैं भैया मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, मैं तो पहले से उनको जानता हूँ या जानती हूँ, वो मानेंगे नहीं, इसलिए तुम रहने दो।
तुम कहीं और शादी कर लो, मैं कहीं और शादी कर लेती हूँ। लेकिन नवांश कुंडली से विवाह देखते हैं। नवांश कुंडली का पंचम भाव और नवांश कुंडली का सप्तम भाव, अगर ये दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन करें, एक दूसरे की राशि में बैठें, एक दूसरे में एक साथ बैठें या परस्पर दृष्टि दें, तो ये एक प्रेम विवाह का योग है कि हमने लग्न कुंडली में भी देख लिया और हमने नवांश में भी देख लिया, तो हमें श्योरिटी हो गई कि भैया ये तो प्रेम विवाह करके ही मानेंगे। अब यदि ये कॉम्बिनेशन नवांश कुंडली में शुभ स्थानों पे बन रहा है तो परिवार की सहमति से शादी होती है। परिवार वाले आपको अनुमति दे देते हैं कि शादी कर लीजिए, थोड़ी बहुत बात होती है लेकिन वो बात को मान जाते हैं। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशंस खराब भावों में बनता है, 6-8 12 में बनता है, पीड़ित अवस्था में बनता है, मान लीजिए पंचम सप्तम का कनेक्शन है लेकिन पंचम और सप्तम अन्य ग्रहों से पीड़ित भी हैं, तो क्या होगा? ये विरोध के साथ होगा लेकिन काम ये जरूर होगा। तो बहुत सारे लोग देखेंगे आपने कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लड़का या लड़की को लेके भाग जाता है, तो क्या हुआ? परिवार ने सहमति नहीं दी लेकिन उनकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन बना हुआ था, खराब जगह बना हुआ है तो खराब एक्शन लेके विवाह कर लिया, अच्छी जगह बना हुआ है तो सहमति से काम हो गया, अच्छी जगह बना हुआ नहीं है तो असहमति या विरोध से काम हो गया। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है लव मैरिज के। अब नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे यदि शनि का संबंध बना कैसे भी दृष्टि से, या शनि बैठ जाए तो ज़्यादा, कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठा है या वो शनि वक्री होके बैठा है, तो अपने से बड़ी उम्र के जीवन साथी से अट्रैक्शन या विवाह होता है। बहुत बार तो 5-5 7-7 साल उम्र बड़ी या 10-10 साल की उम्र के बड़ी व्यक्ति विशेष से साथ भी अट्रैक्शन, प्रेम संबंध और विवाह देखे गए हैं। अब इसी में अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाए, कि अगर आपकी लग्न कुंडली के सप्तम भाव में राहु है और नवांश में भी सप्तम भाव में राहु आ गया, तो ये अंतर जातीय या इंटर रिलीजन धर्म से भी अलग विवाह को संबोधित करता है। ये चीज आपको यहां से पता लगेंगे, अपने से बड़ी उम्र की लड़का लड़की से शादी होगी, लव रिलेशनशिप्स होगा, या अंतर जातीय होगा या धर्म से अलग होगा, तो वो हमें, क्योंकि राहु का काम है परिस्थितियों से परे हट के काम करता राहु, तो राहु इन चीजों को बढ़ चढ़ के भूमिका लेता है और वो चाहता है कि मैं ऐसे काम इसको कराऊं, फिर व्यक्ति किसी की सुनता भी नहीं है और वो करता भी है। अब चौथा भाव हमारे सुख का भाव है, शादी के बाद घर का सुख। अगर उस चौथे भाव पे पीड़ा है तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि आपकी शादी जहाँ हो रही है उसके बाद आपका हस्बैंड वहाँ नहीं रहने वाला है। मान लीजिए हस्बैंड के हॉरोस्कोप में चौथा भाव पीड़ित है, वाइफ के हॉरोस्कोप में भी चौथा भाव पीड़ित है, तो शादी आपके परिवार ने देख दाख के की लेकिन उसके बाद आप वहाँ नहीं रहे, कहीं दूर जगह जाकर आप रहते हैं, और वहीं इस चौथे भाव के स्वामी का संबंध यदि 9वें या 12वें स्थान से आता है, यानी चौथे भाव पे 9वें या 12वें भाव के स्वामी का संबंध, यानी देख रहा है उसे, या चौथे का स्वामी 9-12 में बैठ गया, या चौथे भाव में 9-12 का संबंध आ गया, या सप्तम भाव के स्वामी का संबंध 9 और 12 से आ जाए, तो ऐसे लोग या तो विदेश में जाके विवाह करते हैं, विदेशी महिला या पुरुष से विवाह करते हैं, या शादी के बाद विदेश चले जाते हैं। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशन है जिसको आप कुंडली में लगा के देख सकते हैं। मैं अब आपके सामने कुंडली लगाऊंगा और उस कुंडली में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जब हम कॉलेज के समय में पढ़ते थे तो हमारे गुरु हैं श्री के एन राव जी, उन्होंने एक हॉरोस्कोप वहाँ लगाई थी और उन्होंने दिखाई थी कि भाई ये एक रशियन महिला है जो उनसे मिलने के लिए आई थी, तो उन्होंने वो चार्ट वहाँ लगाया भी था कि उनको 3 बार शादी हुई और 3ों बार वो शादी टूट गई, जिसमें 2 बार तो उनको लव मैरिज हुई थी, यानी मनपसंद का विवाह हुआ था, फिर दोनों 2 बार तलाक हुआ, फिर तीसरी बार फिर जो शादी हुई उसमें भी तलाक हो गया। और भी मैं आपको एक बात बता दूं कि मंगल और शुक्र दो ऐसे प्लैनेट हैं जो अट्रैक्शन को जन्म देते हैं। अगर आपकी नवांश कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ हैं, मंगल शुक्र एक दूसरे की राशि में है, शुक्र मंगल की राशि में है, या मंगल शुक्र की राशि में है, या दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो यह एक अट्रैक्शन को जन्म देते हैं। यानी यहां से भी हम कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों की तरफ आकर्षण देना इन ग्रहों के कारण भी माना जाता है, क्योंकि शुक्र
वासना का कारक है और मंगल उत्तेजना का कारक है, इसलिए ये लड़का और लड़की दोनों के हॉरोस्कोप में देखा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल लगा के जो कुंडली मैंने आपको बताई कि उनको 3 बार तलाक हो चुके, लव मैरिज हुई है हर बार, और ऐसा क्यों है। तो यानी एक ही हॉरोस्कोप में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि शादी, पहली शादी जल्दी भी हो रही है, तलाक भी फटाफट हो रहे हैं, रिश्ते फिर से दोबारा हो रहे हैं और लव मैरिज भी हो रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए ये हॉरोस्कोप आपके सामने है, इनकी 3 बार शादियाँ हुई हैं। 1979 में पहली मैरिज हुई, डाइवोर्स हो गया, 85 में दूसरी मैरिज हुई, डाइवोर्स हो गया, फिर 2001 में तीसरी मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई है इनकी और हर बार इनको प्रॉब्लम भी हुई है, यानी ये एक ही चार्ट हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। अब देखिए मैंने आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, हर उसमें एग्जाम्पल लगाए हैं कि हम देख रहे हैं कि भैया सातवें घर में केतु है और सातवें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, मंगल दोष भी, यानी सातवें घर पर अशुभ प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि राहु केतु अक्ष है और सातवें घर पर मंगल का प्रभाव भी है। तो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो दिखाई दे ही गया है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। अब नवांश कुंडली देखी तो हमने देखा कि भी राहु केतु एक्सेस बना हुआ है और ये राहु केतु एक्सेस लगन और सप्तम भाव पर बना हुआ है। जब हमने दृष्टियों पर देखा तो मंगल की दृष्टि सातवें भाव पर, शनि की दृष्टि भी सातवें भाव पर ही है और यहाँ शुक्र ग्रह 12वें घर के अंदर है। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि भाई इस हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है। और यहाँ भी देखें तो 7th हाउस का मालिक यहाँ गया हुआ है जिस पर यहाँ से मंगल का प्रभाव भी है, यानी हॉरोस्कोप में पीड़ा है, हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है। अगर 3 बार शादी हुई है, 3ों बार डाइवोर्स हुए हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस चार्ट में दिखाई देने चाहिए। अब विदेशों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे तो खैर व्यक्ति समाज से, सामाजिकता से, इन चीज़ों से बहुत बंधा हुआ होता है, लेकिन विदेशों में ये कल्चर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ उन लोगों पर शायद इतना खास फर्क पड़ता भी नहीं है। अब कुंडली में योग क्या कहते हैं, हमने देखा कि पंचम भाव प्रेम का है और सप्तम भाव विवाह का है, एक का स्वामी शनि है, एक का स्वामी गुरु है और ये शनि गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। तो सीधी बात है कि भी हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस तो बनी गया कि गुरु शनि पंचम भाव में व्यक्ति के प्रेम विवाह करने की इच्छा है और इसलिए उन्होंने अपना पहला विवाह जो है 19 वर्ष की उम्र में ही कर लिया। अब अगर आप देखेंगे गुरु और शनि को तो गुरु यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं, मैंने कहा था कि सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पंचम में बैठा है और यहाँ पंचम भाव का स्वामी शनि यहाँ से बैठकर सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है। तो ये क्या था, ये वो पहला कॉम्बिनेशंस था जो इस बात को फुलफिल करता है कि क्यों इनकी बार बार लव मैरिज ही होती है और क्यों इनको फिर शादी में प्रॉब्लम होती है। तो लव मैरिज का कॉम्बिनेशन दिखाई देना चाहिए। अब अगर सेम रूल को उठा के मैं नवांश कुंडली में लगाऊँ तो नवांश कुंडली क्या कहती है कि भाई सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव के स्वामी को देख लो, सप्तम का स्वामी कहाँ गया है, 6ठे घर में, और पंचम का स्वामी कहाँ गया है, 12वें घर में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। हर बार लव मैरिज का डिसीजन इन्हीं का है, इन्हीं को करना है। अगर ये इंडियन कल्चर में होता तो शायद यहाँ विवाद होने शुरू हो जाते, वहाँ बच्चों को शुरुआत में ही आज़ादी मिल जाती है, ये रशिया में पैदा हुई हैं। तो क्या है, आप कॉम्बिनेशंस देखो और प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन के साथ प्रॉब्लम है कि भाई शादी चाहे तुम्हारी अरेंज हो रही है चाहे लव हो रही है, लेकिन अगर हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है तो आपको वो फेस करनी पड़ेगी। और इंडिया के अंदर 100 में से 90 केस अगर हम देख रहे हैं अपने रोज जीवन में तो 100 में से 90 लोग जो लव मैरिज कर रहे हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा ख़राब है। 10% ही लोग ऐसे हैं जिनका जीवन चल रहा है चाहे वो किसी भी वजह से चल रहा है, लेकिन आज भी अरेंज मैरिज का जो रोल है वो 100 में से 80% कामयाब है, 20% को प्रॉब्लम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये तो एक विदेशी मूल की महिला थी, इनकी 3 शादियां हुई, 3ों लव मैरिज हुई और 3ों ही नहीं टिकी। तो आप इंडिया में क्या हालत हो रही है आपको ये चीज़ समझते हैं। इसीलिए कुंडली मिलान पर हम जोर देते हैं कि जब हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम्स ही हैं तो हम उनका क्या सलूशन निकालें। अब हमारे यहाँ पे अगर ये होता कि इनकी एक तलाक हो जाता तो इनको यही कहा जाता कि भैया अपनी दूसरी शादी अगर आप करो तो उसे चलाना, उसको कोशिश करना डाइवोर्स ना दो तो अच्छी बात है,
उसको चलाने की कोशिश करना। देखिए यहाँ तीन शादी हो गई, तीनों नहीं चल रही हैं, चौथी होती शायद चौथी भी नहीं चलती। तो ये देश काल पात्रता है, कल्चर का भी फर्क पड़ता है। लेकिन हम कॉम्बिनेशंस को देख रहे हैं लव मैरिज के, वो देखे और प्रॉब्लम्स भी देखी, लव मैरिज भी देखी, डाइवोर्स भी देखी, एक ही हॉरोस्कोप में हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिली हैं। तो ये था आज का हमारा विषय, लव मैरिज हुई, डाइवोर्स हुए। आगे भी ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। जय श्री राम।